छत्तीसगढ़ी फिल्म बुलंद अमेज रिलीज हो चुकी है। ये एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है जिसे 67 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में नवाजा गया था रीजनल कैटेगरी में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए। नेशनल अवार्ड विनिंग छत्तीसगढ़ी फिल्म बुलंद अमेज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और रायपुर के पीवीआर में इसका प्रीमियर भी रखा गया। इस फिल्म के डायरेक्टर मनोज वर्मा है जो जाने माने छत्तीसगढ़ी फिल्म डायरेक्टर है। ये फिल्म बुलंद कांदा नाम की एक नॉवेल पर बेस्ड है जिसके राइटर संजीव बख्शी है। में इसका प्रीमियर हुआ है और इस फिल्म के स्टार्स की बात करें तो पीपली लाइव जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर ओमकारदास मानिकपुरी, अनीमा पगारे, मुकेश तिवारी और राजेंद्र गुप्ता जैसे स्टार्स इस फिल्म में नजर आए हैं। इस फिल्म के प्रीमियर में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी पहुंचे थे। फिल्म के डायरेक्टर ने INH 24/7 से प्रीमियर के दौरान खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फिल्म के डायरेक्टर मनोज वर्मा जी। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फिल्म रिलीज हुई है आज। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आप ये फिल्म बना रहे थे तो आपने सोचा था कि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक रिलीज होगी? तैयारी उसी हिसाब से हम करना चाह रहे थे एक्चुअली, क्योंकि जो हमसे जो शुरुआत हुई कि हम कुछ ऐसी फिल्म करें जो छत्तीसगढ़ के बाहर जाए, तो उसके लिए मुझे ऐसे कंटेंट चाहिए था और वो कंटेंट मिला और फिर चीज़ें जुड़ती गई और वो फिल्म ऐसी बन पड़ी। तो बहुत सोच करके एज सच नेशनल लेवल के लेकर के जाना, मैं ट्रेंड चेंज करना चाह रहा था कि यहाँ पे जो एक रेगुलर बेसिस पे जो हम मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाते हैं उससे हट के कुछ समानांतर सिनेमा हम बनाएं, और वो शुरुआत हमने की। इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग आपने कितने टाइम में कम्प्लीट की और किरदारों का चुनाव कैसे किया? स्क्रिप्टिंग में मुझे करीब 2.5 साल लग गए इसको करने में। ये एक उपन्यास है संजीव बख्शी जी का बुलंद कांदा, उस उपन्यास पर ये कहानी, वो कहानी लेकर के फिल्म लिखी गई। और इसमें आपने क्या पूछा था दूसरा? चुनाव कैसे किया किरदारों का? किरदारों का चुनाव एक्चुअली जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं ना, उस समय आपके दिमाग में आर्टिस्ट आते जाते हैं, तो जैसा जैसे कैरेक्टर आप लिखते जाते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिकली एक चेहरा आपके दिमाग में आता है और आप कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे ही जब मैं लिख रहा था तो इसमें भकला का जो कैरेक्टर है वो मुझे लगा ओंकार भाई से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ओंकार दास मानिकपुरी जी हैं और बाकी जो भी कलाकार आते गए वो उसमें छत्तीसगढ़ के और राष्ट्रीय स्तर के भी आपने देखे होंगे इसमें कलाकार हैं। तो चूंकि हमको फिल्म छत्तीसगढ़ से बाहर भी ले जानी थी, इसलिए कुछ बाहर के चेहरे, हमको बॉलीवुड के कुछ चेहरे चाहिए थे और उसमें मुकेश तिवारी जी, राजेंद्र गुप्ता जी, ओंकार भाई भी वहीं से ही हैं। तो ऐसे इस तरीके से हमने कोशिश की कि स्टार कास्ट ऐसे चुना जाए। सर इस फिल्म की शूटिंग जो गाँव में हुई है, तो गाँव में शूटिंग करने में क्या क्या समस्याएँ आई या कितना मुश्किल था गाँव में शूट करना? देखिए कोई भी फिल्म अगर आप कर रहे हैं और लोकेशन उसकी आपको सही मिल गई है तो फिर थोड़ा तकलीफ़ें हम उठाने के बाद भी हमको लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो तकलीफ़ें तो बहुत हुई थी क्योंकि जंगल में 20 दिन शूट करना बहुत कठिन काम है और वहाँ पे रहने की समस्या, खाने की समस्या, पानी की समस्या, सारी चीज़ें थी, वॉशरूम्स नहीं थे, तो ये सारी चीज़ों को ले करके थोड़ा हम लोग तो आदी हैं, चलिए हम यहाँ शूट करते रहते हैं, लेकिन जो मुंबई से आए थे उन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर हुई। यहाँ पर वैनिटी वैन्स नहीं हैं, हम जिस रूम में लोगों को रुकवाए थे वहाँ पता लगा सांप लटका हुआ है ऊपर में, कभी तेंदुआ आ रहा है गांव में, ये सारी चीज़ें भी थी। तो लेकिन बहुत गांव वाले बहुत कमाल के लोग थे, महुआ भाटा गांव में हमने शूट किया इसको और वो सारे के सारे आपको फिल्म में भी दिखेंगे, पूरे गांव के साथ, गांव वालों के साथ वो समय बहुत अच्छा कटा। तकलीफ़ें होती हैं लेकिन ये सुख अलग है उसका। इस फिल्म ने तो एक अलग बेंचमार्क लाया है सीजी फिल्म्स के लिए, आगे आपके क्या प्लान्स हैं, आप ऐसी और फिल्में बनाएं? वैसे तो हम कमर्शियल मूवीज़ करते आ रहे थे, ये पहली ऑफ ट्रैक मूवी है। अभी कोशिश ये है हमारी कि अब आगे चल करके कुछ करते रहेंगे इस तरीके का काम, और अगली जो फिल्म है कोई एक लोक कथा है उसके ऊपर मेरा अभी काम चल रहा है, पता नहीं कब शूट होगा वो, तो जब भी होता है फिर होप फॉर द बेस्ट। सीजी गवर्नमेंट से आप किस तरह का सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं?
सीजी गवर्नमेंट ने एक अच्छा सपोर्ट किया है। अभी जैसे फिल्म हमारी आई है उसके बाद राज्योत्सव में फिल्म नीति उन्होंने उसी समय शुरू की थी और उसमें ये उन्होंने डाला था कि जो फिल्म नेशनल अवार्ड लेगी उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा और वो तुरंत आते ही उन्होंने राज्योत्सव में ये चीज़ दी। फिल्म नीति बनाई है अभी, फिल्म नीति में अभी उस पर मतलब लागू नहीं हुआ है लेकिन फिल्म नीति बन गई है, लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ काम हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ध्यान तो दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर के ज़रूर अभी लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि अभी के सब्सिडीज़ का कैसा क्या है, दूसरे प्रदेशों को ज़्यादा सब्सिडी दिख रही है, यहाँ थोड़ा कम है, तो उसको लेकर के हम लोगों की चर्चा अभी होनी है और उम्मीद करता हूँ मैं कि गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी ध्यान रख रही है आगे भी ध्यान रखेगी। जी बिल्कुल, एक जनता से लास्ट मैसेज या अपील क्या करना चाहेंगे क्यों वो ये फिल्म देखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखने के लिए यहाँ पहुँचे? देखिए ये बिल्कुल अलग तरह की फिल्म है। भूलन कांदा एक ऐसा पौधा है जिस पर पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं और तब तक होश में नहीं आते जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है, जगाता नहीं है। तो क्या हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसका पैर उस भूलन पे पड़ गया है और क्या ज़रूरत है उसको छू के जगाने की? ये कंसेप्ट है फिल्म का। फिल्म देखने आप इसलिए आइए कि ये देखिए कि किस वजह से इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है या राज्य में उन सम्मानित की गई है फिल्म। संजीव बख्शी जी का उपन्यास अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है, वो 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है उसका, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हैं, बहुत सारी पहली चीज़ इसमें जुड़ी हुई है कि पहली फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई है, कैलिफोर्निया इटली में इसका प्रदर्शन हुआ है, वहाँ अवार्ड जीती है, अपने देश में कई जगह फेस्टिवल्स में गई, वहाँ अवार्ड जीती है। तो ऐसी क्या फिल्म है जिसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं? इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस फिल्म को ज़रूर देखें और हमको और बेहतर फिल्म बनाने की प्रेरणा दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। प्रीमियर में फिल्म के सह कलाकार भी मौजूद थे जिनसे हमने खास बातचीत की। सर कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है और मैं तो खुद इस फिल्म का पार्ट हूँ, मैंने जज की भूमिका निभाई है, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में जो इस फिल्म को जो नेशनल अवार्ड मिला है वो सही मिला है। आज तक छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी फिल्म और ग्रामीण परिवेश को लेकर के नहीं बनी है, बेहतरीन फिल्म है। और भारत में इस फिल्म को मैं सोचता हूँ संपूर्ण भारत को देखना चाहिए, छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों की जो कहानी इसमें है, जो कितने सरल और सीधे हमारे ग्रामीण आदिवासी हैं, उसको लेकर के जो मनोज वर्मा जी ने जो डायरेक्शन दिया है अलौकिक डायरेक्शन है। सर ये फिल्म छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए भी एक बड़ा स्कोप है, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, बहुत स्कोप है, इससे तो बहुत कुछ सीखने का है। जो नए नए लोग आ रहे हैं, नए कलाकार आ रहे हैं, नए फिल्मकार आ रहे हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं, उनको भूलन कांदा देखना चाहिए और उनको सीख उनको पता लगेगा कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। भूलन में जिस रूप में छत्तीसगढ़ में अपनी उपलब्धि के लिए जानी जा रही थी, आज उसका हमने प्रीमियर तो देखा और संगीत को जिस ढंग से छत्तीसगढ़ी अंदाज में पिरो करके पूरे विश्व और हमारे भारतीय संस्कृति को उजागर करने का प्रयास किया, निश्चित रूप संगीत के क्षेत्र में भी आगे चल के इससे अच्छा काम और छत्तीसगढ़ में होने वाला है। फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा लगा, गाने भी बहुत अच्छे हैं। मनोज वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी फिल्म बनाएं और छोटा सा रोल मुझे भी मिला है, इसीलिए मैं सौभाग्य समझती हूँ अपना कि मैं भी उसमें काम किया। कैसे लगा मैम आपको इस फिल्म में काम करके, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही अच्छा था। मनोज वर्मा जी के साथ तो मैं बहुत सारे एल्बम और बहुत सारी चीज़ की हूँ, लेकिन इसमें जो फिल्म मैं की हूँ बहुत ही अच्छा था। पब्लिक में भी इस फिल्म को देखने के बाद खुशी देखने को मिली। आपने अभी अभी छत्तीसगढ़ी फिल्म देखी जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, कैसी लगी आपको फिल्म? जबरदस्त मूवी है, नो डाउट उसे अवार्ड नेशनल अवार्ड क्यों दिया गया ये आज हमको देखने मिल रहा है, और डेफिनेटली और पिक्चर इतनी अच्छी है, एक एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार बोर लग रहा है, हर एक एक मिनट इतना इंटरेस्टिंग, मतलब कॉमेडी इमोशंस के साथ जो टाइमिंग दी गई है ऑसम, मतलब मैसेज जो देने की कोशिश की गई है वो अच्छी तरह से दिया गया है, लोग समझेंगे इसे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे समझेंगे। और न्याय व्यवस्था के ऊपर उसमें प्रहार किया गया है कि न्याय व्यवस्था जो है वो कैसे गोल 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 घूम के आदमी उसी में फंसा रह जाता है, तो इस टाइप की कुछ मूवी में दिखाया गया है, बाकी आप सभी देखिए जरूर। फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनिमा पगारे भी इस दौरान मौजूद थी, उन्होंने भी INH 24/7 से बातचीत की और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैम पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फिल्म आज रिलीज हो गई है, कैसा फील कर रही है आप?
ऑफकोर्स बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। सभी ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए और सभी आज साथ में फिल्म देख रहे थे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैम थोड़ा सा आपका कैरेक्टर कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एक भुजिया आदिवासी का रोल कर रही हूँ, जो कि जो हमारे मेन लीड हैं भक्ला जी, उनकी पत्नी का रोल है। और कैसे आदिवासी शहर आते हैं और शहर की न्याय व्यवस्था में फंस जाते हैं और कैसा उनका भूला भाला जीवन है, वो आप इस फिल्म में देखें। इस कैरेक्टर में अपने आप को फिट करने के लिए आपने क्या क्या सामना किया या आपको कितना फेस करना पड़ा या फिर इजी था थोड़ा? इजी तो बिल्कुल नहीं था, पर क्योंकि हम महुआ भाटा में ही शूट कर रहे थे तो वहाँ के लोगों को देख के, उनकी बोली सुन के मैंने सीखी। और आप ये रोल आप फिल्म देखिए आपको पता चलेगा। वही आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे फिल्म देखने के लिए उनको? फिल्म ज़रूर देखी है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस फिल्म में हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है और आप इस फिल्म को देख के कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाएंगे। तो ये थी हमारे साथ इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस, मैं हूँ आपके साथ पूजा पुजारा, कैमरामैन इकराम के साथ, देखते रहिए INH News।